रविवार शाम के 4 बज रहे हैं। एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं, रुमाना इसार खान अपने शो संविधान की शपथ के साथ। संविधान की शपथ, ये खास कार्यक्रम हम आपके लिए लेकर आए हैं। और देखिए, रोज शाम सोमवार से शुक्रवार 4 बजे संविधान की शपथ, जिसमें हम बताते हैं आपको कैसे देश का संविधान, जो भारत के आम लोगों ने बनाया और इसे नीति बनाने वालों को सौंपा, देश संविधान से चलता है। हमारे जनप्रतिनिधि, चाहे वो सांसद हों या फिर वो विधायक हों, इस संविधान की ही शपथ लेते हैं। और ऐसे में देश में जो कानून है, वो मूल रूप से इस संविधान की भावना के हिसाब से बने हुए कानून है। तो कुल मिलाकर हम दिन के हर मुद्दे को इसी संविधान की कसौटी पर ही कसते हैं। और अब आपको विस्तार से बताते हैं अपने आज के मुद्दे के बारे में। दरअसल कल देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने भीड़ तंत्र पर कड़ी आपत्ति जताते हुए संसद से कानून बनाने की बात कही और कहा कि लोकतंत्र में भीड़ तंत्र की इजाजत किसी कीमत पर नहीं दी जा सकती। और कल ही झारखंड में सामाजिक कार्यकर्ता स्वामी अग्निवेश पर बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने हमला कर दिया, उनकी पिटाई की सरेराह सड़क पर उनको गिराकर। तो संविधान की शपथ में हमारा आज का मुद्दा यह है, स्वामी अग्निवेश पर आक्रमण क्यों? जिस दिन भीड़ तंत्र पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, उसी दिन स्वामी अग्निवेश पर हमला। झारखंड के पाकुड़ में बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी। उन्यासी साल के स्वामी अग्निवेश पर लात और घूंसे बरसाए। मैं हाथ जोड़ रहा हूं उनसे, बात क्या है, क्यों गुस्से में? कोई सुनने को तैयार नहीं था, वो सोच के आए थे जान से मारने के इरादे से। हिंदुओं में यदि इस तरह के तत्व घुस गए, हावी हो गए, तो जो सबसे उदारतम माना जाता है दुनिया का धर्म संस्कृति, वो फिर खत्म होने में देर नहीं लगेगी, बहुत बड़ी लाखों साल की धरोहर नष्ट हो जाएगी। अग्निवेश पर हमले के बाद विरोधियों के निशाने पर बीजेपी। जिस निर्ममता से, निर्दयता से कातिलाना हमला भाजपा के गुंडों द्वारा बोला गया, हम कड़े शब्दों में उसकी निंदा करते हैं। और पहले दिन ही सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के भाजपा के गुंडों ने लिंच मॉब मेंटेलिटी पर उन सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को कूड़ेदान में फेंक डाला। बीजेपी ने किया कार्यकर्ताओं का हाथ होने से इनकार। नहीं, ये गलत है, बीजेपी के लोग कभी भी इस प्रकार के गलत कामों को करने के लिए बाध्य नहीं होते। और बीजेपी के लोगों ने के बारे में यह कहना निंदनीय है, दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है। ये ठीक है कि जिसने भी वो घटना उनके साथ किया है, वह भी निंदनीय है। कल ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा, भीड़ तंत्र की हिंसा के खिलाफ कानून बनाए संसद। स्वामी अग्निवेश पर आक्रमण क्यों? देखिए, कल ही सुप्रीम कोर्ट ने भीड़ तंत्र की हिंसा को लेकर कड़ी आपत्ति जताई थी और कल ही स्वामी अग्निवेश पर हमला हो गया। अब आपको बताते हैं कि इसके बारे में जो देश का संविधान है, भारत का संविधान क्या कहता है। दरअसल संविधान में किसी पर हमले के खिलाफ कानून जरूर है, लेकिन भीड़ तंत्र की हिंसा के खिलाफ कोई ठोस कानून नहीं। कल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भीड़ तंत्र को नए कानून के रूप में लाया जाए, दायरे में लेकर आया जाए, संसद को इस बारे में कानून बनाना चाहिए। भारत में बहुलतावादी संस्कृति की रक्षा करना सरकार की जिम्मेदारी है। तो ये वो संविधान का दायरा जिसके तहत हम चर्चा करेंगे। और अब आपका परिचय कराते हैं मेहमानों से जो आज की इस चर्चा में हमारे साथ शामिल है। तहसीन पूनावाला हमारे साथ होंगे आज की इस चर्चा में, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, मॉब लिंचिंग केस में मुख्य याचिकाकर्ता, मॉब लिंचिंग रोकने के लिए मासुका नाम से कानून ड्राफ्ट किया है तहसीन पूनावाला ने। हमारे साथ एक और खास मेहमान स्टूडियो में शहजाद पूनावाला मौजूद हैं। शहजाद पूनावाला के बारे में जान लीजिए, सामाजिक कार्यकर्ता, पेशे से वकील हैं, अखबारों में लेख लिखते हैं, महाराष्ट्र में कांग्रेस के सचिव रह चुके हैं, फिलहाल कांग्रेस के बागी नेता शहजाद पूनावाला। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं अजय गौतम जी, हिंदू धर्म के एक्सपर्ट हैं। अजय गौतम जी हिंदू धर्म से जुड़े मुद्दों पर मीडिया में राय रखते हैं, हम हिंदू.com के संस्थापक हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार स्टूडियो में मौजूद हैं अभय दुबे जी, सामाजिक विज्ञान के बड़े जानकार हैं,
सीएसडीएस में प्रोफेसर हैं, कई किताबों के लेखक हैं। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच से हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होंगे यासर जलानी। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के प्रवक्ता हैं यासर, कानून की पढ़ाई की है। और स्टूडियो में एक और बेहद खास मेहमान दिनेश पार्षणे साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीपीआई के नेता हैं, सीपीआई के राष्ट्रीय परिषद के सदस्य हैं। दिनेश पार्षणे जी दिल्ली के मोतीलाल नेहरू कॉलेज में प्रोफेसर हैं। बहस शुरू करें उससे पहले आपको एक अहम जानकारी दे देते हैं, कृपया ध्यान दें। एबीपी न्यूज पर मेहमानों से गुजारिश, मुद्दे से जुड़े अपने तर्क रखें, ऐसी बातें ना करें जिससे किसी की भावनाएं आहत हो, क्योंकि हमारा मकसद चर्चा करना है, किसी की भावनाओं को आहत करना हमारा मकसद नहीं, शोर मचाना हमारा मकसद नहीं है। उम्मीद की जाती है सभी मेहमान शिष्टाचार से अपनी बात रखेंगे। और चर्चा की शुरुआत से पहले आपको सुनाते हैं कल हुए हमले को लेकर स्वामी अग्निवेश ने क्या कहा है आज। देखिए कि मैं गया था वहाँ, एक आदिम जनजाति है पहाड़िया, तो पाकुड़ से और 30 किलोमीटर उनकी एक बहुत बड़ी जनसभा थी, उसके लिए उन्होंने मुझे दिल्ली से बुलाया था। तो मैं वहाँ रुका था पाकुड़ में, कल सुबह ही पहुँचा था और वहाँ पर मैं पत्रकारों से मिलके बातचीत कर रहा था। पत्रकार सम्मेलन ख़त्म करके हम वैसे बाहर निकले तो पत्रकार भी थे वहीं पर, और वहीं पर फिर बुरी तरह से हमला हुआ। मैं हाथ जोड़ रहा हूँ उनसे, बात क्या अभी क्यों गुस्से में, कोई सुनने को तैयार नहीं था। वो सोच के आए थे जान से मारने के इरादे से, जो लिंच मॉब होता है जिस तरह से, लेकिन वो सब एक संगठन के, एबीवीपी, भारतीय जनता युवा मोर्चा, ये सब आरएसएस, बजरंग दल, इनसे जुड़े हुए लोग थे। जो गिरफ्तार किए थे कल शाम को, वो थोड़े समय में छोड़ दिए गए, तो सब कुछ नाटक लग रहा है। जो डीआईजी के द्वारा जांच का आदेश दिया वो भी मुझे धोखा लगता है। झारखंड के हाई कोर्ट के कोई रिटायर्ड जज या सिटिंग जज के द्वारा न्यायिक जांच हो, इसकी मांग करता हूँ। जो सचमुच में अपराधी, जो जानलेवा हमला या अटेम्प्ट टू मर्डर है, मर्डर भी हो सकता था, तो आप उस सेक्शन में उनको गिरफ्तार करके तुरंत छोड़ देते, ये तो कोई बात नहीं हुई ना। तो फिर ये नाटक है, प्रायोजित था सारा हमला। सब लोग भी निंदा करें और देश को, समाज को, और ख़ास करके हिंदू धर्म को, हिंदू संस्कृति को बचाएं, वरना हिंदुओं में यदि इस तरह के तत्व घुस गए, हावी हो गए, तो जो सबसे उदारतम माना जाता है दुनिया का धर्म संस्कृति, वो फिर खत्म होने में देर नहीं लगेगी, बहुत बड़ी लाखों साल की धरोहर नष्ट हो जाएगी। आइए चर्चा शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल मेरा अजय गौतम जी आपसे है, क्यों हुआ स्वामी अग्निवेश पर हमला? देखिए, सबसे पहले जितने भी चाहे राहुल गांधी जी ने ट्वीट किया, बाकी जितने भी कांग्रेस नेताओं ने अपनी प्रतिक्रिया दी है, वो स्वाभाविक है, क्योंकि स्वामी अग्निवेश पिछले 30 सालों से कांग्रेस की बी टीम बन के काम करते आए हैं। वो जितने भी बयान देते हैं, जिस तरीके की मूवमेंट करते हैं, जो भी पिटीशन लगाते हैं, वो सब कांग्रेस का उनके पीछे सीधा हाथ रहा है। कांग्रेस की बी टीम में इसलिए हमला हुआ? नहीं नहीं नहीं, सुनिए, हमला क्यों हुआ? नहीं सुनिए, पिछले 35 वर्ष से स्वामी अग्निवेश हिंसा, आपने कहा, वो मानसिक हिंसा लगातार करते आ रहे हैं। आप देखो, उन्होंने हमेशा सनातन धर्म के खिलाफ, हिंदू धर्माचार्यों के खिलाफ, राम के खिलाफ, कृष्ण के खिलाफ, भगवान शिव शंकर के खिलाफ, अमरनाथ जी के खिलाफ लगातार मानसिक हिंसा करते आए, और उनका मानसिक हिंसा के प्रतिरूप के कारण उनके साथ थोड़ी सी शारीरिक हिंसा हो गई। तो हिंसक तो दोनों है, एक ने मानसिक हिंसा करी है, एक ने शारीरिक हिंसा करी है, तो दोनों एक्यूज्ड हैं। मैं ये नहीं कहता, मैं तो सिर्फ इतना कहता हूँ, वो मतलब स्वामी जी है। आपसे समझना चाहती हूँ, मतलब जी, जो हिंदू है अब वो मुसलमानों की तरह तालिबानी बन रहे हैं, मतलब शांति प्रिय हिंदू जो है अपने धर्म के लिए वो आक्रामक हो रहा है। रोमाना जी, सहनशील और कायरता दोनों में फर्क होता है। हर व्यक्ति को, जैसे सभी दोनों, उन्हें एक लिमिटेशंस है ना, जब वो जानते हैं कि बहुसंख्यक आबादी अमरनाथ जी में दर्शन, अमरनाथ जी में यकीन करती है, वो लगातार अमरनाथ जी का जिस तरीके से, जिस तरीके से मजाक उड़ाते हैं, कभी किसी ने कहा, आपने बहुत अच्छा किया सर, मैं बता देती हूं दर्शकों को, मैं प्रूव कर दूंगा, बाकायदा वो मामला जो सुप्रीम कोर्ट में किया, कांग्रेस की बी टीम है, कांग्रेस के एजेंट बनके काम करते हैं। अब मैं बोल लूं, मुझे गौतम जी, आपने अपनी बात रख दी सर, एक एक करके सब बोलेंगे।
ठीक है, मैं दोबारा से दोहरा रही हूँ, आपने जो बात करी सुप्रीम कोर्ट वाली अमरनाथ वाले मामले में, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से टिप्पणी भी आई कि भाई आप जो है वो किसी की भावनाओं को आहत नहीं कर सकते, क्योंकि इस तरीके के बयान स्वामी अग्निवेश जो है वो देते आए हैं जिससे लोगों की जो धार्मिक भावनाएं हैं, मान्यताएं हैं, वो आहत होती हैं। लेकिन अब सवाल मेरा तहसीन आपसे ये है कि स्वामी अग्निवेश ना उनकी विचारधारा नहीं है, ना उनका भगवा नया है, जैसे कि अभी अजय गौतम जी कह रहे थे वो तो दशकों से इसी विचारधारा के साथ आगे बढ़ रहे हैं ना, ऐसा क्या हुआ कि अब जाकर स्वामी अग्निवेश पर हमला होता है? हमला क्यों हुआ मैं ये समझना चाह रही हूँ तहसीन। हमला इसलिए हुआ क्योंकि इस देश को तालिबानी देश बनाने की कोशिश चल रही है, देश के संविधान को तोड़ने की कोशिश चल रही है। और मैं कैसी कोशिश, ये लोग जो इस तरह के हमले कर रहे हैं, और आपको कौन कर रहा है ये हमले, कौन, ये जो जो स्वामी अग्निवेश ने जिन पर आरोप लगाया वो ये लोग उसका जवाब दे, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, स्वामी अग्निवेश का मामला छोड़ दीजिए, मुझे अजय गौतम से अक्सर उनकी राय से मैं सहमत नहीं हूँ, क्या मुझे या मेरे लोगों को अधिकार अजय को मारे, लेकिन ये अधिकार किसी को संविधान नहीं देता। लेकिन अजय यहाँ बैठकर से जस्टिफाई करता, थोड़ी सी शारीरिक मारपीट हो गई आपके शो पर, कहा किसने अजय को ये अधिकार दिया। अब मैं आगे बात करता हूँ, हमें धर्म की बात छोड़ दे, आसाम की बात करते हैं। आसाम में जहाँ दो बच्चों को के उठाने के अफवाहों पर मॉब इकट्ठा हुई मारी, सुप्रीम कोर्ट से 10 किलोमीटर दूर रविंद्र, एक व्यक्ति नरेंद्र मोदी जी का फैन, वो कहता है यहाँ पर आप पेशाब मत कीजिए, जाकर शौचालय में कीजिए, भीड़ इकट्ठा होती है उसे मारती। इस भीड़ इकट्ठा होने से किसको किसको फायदा हो रहा है, किसका फायदा पॉलिटिकल हो रहा है, सोशल हो रहा है, इकोनॉमिकल हो रहा है? जब तक आप उन लोगों को नहीं पकड़ोगे, उन लोगों को आप जेल में नहीं डालोगे, अजय जैसे लोग टीवी पर आकर इसे जस्टिफाई करेंगे। सर सर हम इस तरीके से ना अब निजी हमले नहीं करेंगे, नहीं, मैं बता रहा हूँ, क्योंकि अगर आप कहते हो उस स्वामी को, मैं अग्निवेश जी को जानता हूँ, मैं अग्निवेश जी को जानता हूँ, सुनिए रोमला जी, मैं कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर जस्टिफिकेशन किसी को मारने की हो रही है, इसे मैं सहन नहीं करूंगा। मैं स्वामी जी को आज बहुत सालों से जानता हूँ, आज तक मेरी जिंदगी में बचपन से मैंने आपके बीच में नहीं बोला, तहजीब रखिए, बीच में मत बोलिए, मैंने सुनिए रोमाना जी, एक लाइन, एक लाइन, एक लाइन, मैंने स्वामी जी में, मैंने स्वामी जी के पास जाना होगा, मुझे एक लाइन, मैं बीच में, वो बीच में बोले, ठीक है, मुझे एक लाइन कहने की इजाजत दो, ठीक है, थैंक यू। मैंने आज तक स्वामी अग्निवेश को बिना पगड़ी के नहीं देखा, आज उस व्यक्ति की 80 साल के व्यक्ति की पगड़ी को घिराई गई, आपको शर्म नहीं आती कि यहाँ बैठकर जस्टिफाई करते हैं?7 नंबर कोठी जंतर मंतर, देखिए बंधुआ मुक्ति मोर्चा स्वामी अग्निवेश दोनों का एड्रेस मिलेगा, ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट ने हाई कोर्ट में कहा कि ये प्रॉपर्टी कांग्रेस के सरदार वल्लभ भाई ट्रस्ट को दी थी, अग्निवेश को कभी अलाउड नहीं, और सरकारी प्रॉपर्टी पे इंक्रोचमेंट करवाते हो सन्यासी की हड़ में, आपको शर्म आनी चाहिए जैसे पूरा वाला। सर बीजेपी कांग्रेस अब 4 साल से तो बीजेपी का राज है ना, खाली क्यों नहीं कर रहे? अब राजनीति मत कीजिए ना इस मामले पर, मुद्दा है, गंभीर मुद्दा है, अब लोकतंत्र भीड़तंत्र बन रहा है, इसकी गहराई में जाना चाह रहे हैं कि आखिरकार हो क्या रहा है देश को, ये मेरा देश है ना सर, मेरा देश लोकतंत्र है, भीड़तंत्र नहीं है, और हम सबका देश है, जिम्मेदारी हम सबकी सामूहिक है, जरा गंभीरता से चर्चा कीजिए कृपया करके, निजी आरोप प्रत्यारोप से बचें आप सब। शहजाद आपसे समझना चाहती हूँ, 2014 के बाद क्या ये भीड़ की हिंसा जैसा कि कहा तहसीन ने इजाफा हो रहा है इसमें आपको ऐसा लगता है? मैं सवाल जानना चाहती हूं जवाब। बिल्कुल उनकी बात से इत्तेफाक रखता हूं, तालिबान बन रहा है बंगाल में जब त्रिलोचन महतो को मारा जाता है, केरल में जब आरएसएस के कार्यकर्ताओं को मारा जाता है, कर्नाटक में पुजारी को मारा जाता है, और यूपी में अखलाक को मारा जाता है, तो सारी चीजें तालिबानी कल्चर है। पर आप जब चयनात्मक रूप से देखते हो तो हमको फिर सवाल करना पड़ता है कि कहीं ना कहीं पंडित अजय गौतम की बात में कुछ सच्चाई है कि नहीं है, कि किसी का स्पॉन्सर्ड है कि नहीं। दूसरी बात, हम वो भारतीय संस्कृति से आते हैं जिसका लोकतंत्र फलसफा यही है कि मैं आपकी बात से इत्तेफाक ना भी रखूं तब भी मैं आपके उस अधिकार का संरक्षण करूंगा मरते दम तक, और यही परिचय, यही परिचय का मैं आपको उदाहरण देता हूं। आरएसएस को जिंदगी भर प्रणब मुखर्जी ने गाली दी, उन्होंने मंच पर आमंत्रित किया और बोला कि हमारे साथ बात रखिए, संवाद कीजिए, प्रधानमंत्री ने भी मेरे विषय में ऐसा ही कुछ परिचय दिया, पर राहुल गांधी ने क्या परिचय दिया सेक्रेट गेम्स में, आपने देखा है राहुल गांधी ने क्या परिचय दिया, मेरी आवाज जब उठी तो वो आप जानते हैं, पर बहरा वो समय वो विषय नहीं है। आज मैं सख्त मजम्मत अच्छा करता हूं अग्निवेश पे हमले की, मैं सख्त मजम्मत करता हूं, इसकी जांच होनी चाहिए, पर अग्निवेश जी ने भी जो हिंदुओं के बारे में कहा है उसको भी हम जस्टिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि वो भी एक तरीके से, वो
वो भी एक तरीके से शाब्दिक हमला है, किसी के आस्था पे वो उसका भी हमको जो कोई जस्टिफाई नहीं कर रहा है, वो दोनों इशू अलग है, मुद्दा है नहीं। अग्निवेश के ऊपर जो हमला हुआ गलत था, पॉइंट चैप्टर क्लोज। पर अग्निवेश जी को मैंने भी बहुत करीब से देखा है, उन्होंने जो राम जी के बारे में, अमरनाथ जी के बारे में बाकी चीजें बोली है वो भी बहुत गलत है। उसका मतलब ये नहीं कि उनके ऊपर हमला जायज है, नहीं, ये संविधान है ना, बिल्कुल ये संविधान है, बिल्कुल कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। आप लोग भी वकील हैं, आप लोग वकील जानते हैं 295 है ना आईपीसी में, बिल्कुल 295 है, उसके तहत केस दर्ज किया जा सकता है। ऐसे अग्निवेश के सामने शहजाद अपना गला कटाएगा, उनको हाथ नहीं लगाना चाहिए सड़क पर गिराकर। एक 80 साल के बुजुर्ग को इस तरीके से सरेआम बेइज्जत करे, उसके साथ मारपीट करे, किसने अधिकार दिया? संविधान है, कानून बना हुआ है, लेकर जाइए अदालत में, लेकर जाइए कोर्ट में, वहां से तय होगा कौन सही कौन गलत। संविधान की शपथ जारी है, सीधे रुख करते हैं हम हमारे साथ राष्ट्रीय मुस्लिम मंच से यासिर जिलानी, जो आरएसएस से जुड़ा संगठन है, उसके नेता हमारे साथ यहां पर मौजूद है। यासिर, मैं आपसे समझना चाहती हूं कि अब जो आंकड़े सामने आ रहे हैं 2014 के बाद से मॉब लिंचिंग की जो घटनाएं हैं देश में, उनमें जो बढ़ोतरी हुई है वो 97% की बढ़ोतरी हुई है। और देखिए, अगर जून 2017 तक देखा जाए तो जो मारे गए लोग थे उनमें ज्यादा तादाद मुसलमानों की थी, लेकिन अब जून 2017 के बाद से भीड़ जो हमले कर रही है तो ना वो धर्म देख रही है ना वो जाति देख रही है। मतलब पहले 2017 जून तक मुसलमान मारे जा रहे थे, लेकिन अब तो हिंदुओं को भी मार रही है ये भीड़। यासर जी, देखिए संविधान की शपथ जो आपका प्रोग्राम है उसी के नजरिए मैं अपना जवाब दूंगा। बिल्कुल एक सभ्य समाज में ये बर्दाश्त नहीं होगा, ना कोई भी इसको सही ठहराएगा। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान में लेके अभी आपके सामने संज्ञान में लिया है और उसका बयान आया है कि 4 हफ्ते के अंदर इसको सरकार को रिपोर्ट तय करनी है। मैं स्वामी अग्निवेश जी के बारे में ये कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से उन पर हमला हुआ, उनकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम होगी, उनकी निंदा होनी चाहिए, लेकिन इस तरह के जो सामाजिक स्तर के या रिलीजियस लीडर हैं उन्हें भी कहीं ना कहीं जो उनके अपने दायित्व हैं उनको निभाना चाहिए। वो पूरे समाज को उनकी जिम्मेदारी बनती है कि साथ लेके चले। वो अगर जब बात करते हैं नक्सलवाद को लेके, वो बात करते हैं, आप जो बात कर रहे हैं, देखिए ये तो 2011 में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कह दिया गया था। 2011 में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से स्वामी अग्निवेश के मामले में ये बात कह दी गई थी कि भाई जो सार्वजनिक जीवन में है वो कुछ भी कहने से पहले अपने शब्दों को जो है वो कम से कम 10 बार तोलें, सोचें, उसके बाद अपनी बात रखें। लेकिन मेरा सवाल जो है फिलहाल तो मुद्दा मॉब लिंचिंग को लेकर है, तमाम आप सवाल ये कि आखिरकार लोकतंत्र जो है वो भीड़ तंत्र क्यों बन रहा है? सर, उनके बयानों को लेकर जस्टिफाई नहीं कर सकते ना जो उनके साथ हुआ है ना? यहाँ पर हमारे दोहरे मापदंड दिख जाते हैं, हमारे दोहरे मापदंड दिख जाते हैं जब हम एक तरफ ये कहते हैं जी हम तो सभ्य समाज हैं, हम जी निंदा करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ हम ये कहने लगते हैं। आपने वो बयान देखा उनका? आपने देखा कैसे उन्होंने धर्म पर हमला किया? अरे भाई, कानून है देश में, कोई किसी के धर्म पर हमला कर रहा है, कोई मेरे धर्म पर, आपके धर्म पर, किसी के भी धर्म पर हमला कर रहा है, जाइए, देश में कोर्ट है, कानून है, ये संविधान है, इसमें बने हुए हैं, इसके प्रावधान बने हुए हैं आईपीसी के, उसके तहत जाकर आप शिकायत कर सकते हैं। आगे बढ़ूंगी मैं इस चर्चा में, रुक करते हैं हम दिनेश वार्ष्णेय साहब, प्रोफेसर साहब हमारे साथ मौजूद है। प्रोफेसर साहब, ये मामला जो है पूरा मॉब लिंचिंग का, ये है क्या? क्या ये सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा है इस देश में? नहीं रोमाना जी, इसको एक बहुत बड़े पर्सपेक्टिव में समझना होगा। ये जो अराजकता पैदा की जा रही है मॉब लिंचिंग के जरिए, या उसको गौ रक्षक के नाम पे मार दो, गौ रक्षक उनको किसी को भी मारने, बात बढ़ गई आगे गौ रक्षकों से आगे, अब तो बच्चा चोरी के नाम पर, बच्चा चोरी के नाम पे मार रहे हैं। ये जो मोबोक्रेसी ये क्रिएट की जाती है अराजकता किसी समाज में जी, ये वेस्टेड इंटरेस्ट क्रिएट करता है, और ये वो वेस्टेड इंटरेस्ट क्रिएट करता है जो आम जनता का ध्यान उन बातों से हटाना चाहता है जो जनता से सीधे तौर पर संबंधित है। दूसरी बात, इसको इस परिप्रेक्ष्य में समझिए, अजय गौतम जी से अनुरोध करूंगा कि वो भी इसको समझें, कि आप कहते हैं कि सनातन संस्था के या सनातन धर्म के खिलाफ बोलते हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि हिंदू धर्म में उसी समय में संजय वैलिटी पुत्र और पकित कंचायन कहते हैं कि बता आत्मा है तो कहाँ है, लाल है, गोल है, चपटी है, पीली है, काली है, त्रिकोणीय है, कहती है, दिखा कहाँ है। तब तो किसी ने नहीं मारा उनको। कबीर उसके खिलाफ बोलते हैं,
सनातन धर्म, आर्य समाज, परनामी, बहुत सारी धाराएं हिंदू धर्म से निकली, इसी तरह से क्रिश्चियनिटी में भी निकली, इसी तरह से बुद्धिज्म में भी निकली, जैनिज्म में भी निकली, इस्लाम में भी निकली। ये एक विचारधारात्मक निर्णय है। और आप जब कहते हो कि साहब गणेश जी उस समय प्लास्टिक सर्जरी थी तो आपके ऊपर हमला होगा नहीं होगा तो क्या होगा? आप विज्ञान के खिलाफ बोलेंगे, आप चाहते ही नहीं है कि समाज वैज्ञानिक दृष्टिकोण की ओर जाए। सर, आप जो बड़ा सवाल उठा रहे हैं ना, देखिए वही मैं जानना चाह रही थी कि जिस तरीके से हम ये कहते हैं कि दूसरे धर्मों में धर्म के ठेकेदार हैं, हिंदू धर्म जिसे हम बिल्कुल अलग नजरिए से देखते आए, शांतिप्रिय धर्म जिसका फिलॉसफी जो रही है वो वसुधैव कुटुंबकम, और अब हम अपने ही भगवादारी साधु, क्योंकि वो हमारी जो हिंदुइज्म की डेफिनेशन है उसमें क्योंकि फिट नहीं बैठ रहा है तो हम जस्टिफाई कर रहे हैं उसके साथ जो हो रहा है। मुझे ब्रेक के लिए यहां पर रुकना पड़ेगा, मैं लौटूंगी अभय दुबे जी के पास, मैं इतनी देर से नहीं आ पाई हूं, मुझे उनके पास भी आना है, मैं उनसे भी समझना चाहती हूं कि आखिरकार ये भीड़ ये मोटिवेटेड भीड़ है या फिर इस भीड़ का सिस्टम पर विश्वास नहीं है। संविधान की शपथ जारी है, अग्निवेश पर हमला क्यों, इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। सीधे रुख करते हैं, अभय दुबे जी समाजशास्त्री भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, ये जो भीड़ का हमला हम देख रहे हैं, ये भीड़ मोटिवेटेड नजर आती है या फिर ये भीड़ ऐसी है जिसका विश्वास नहीं रहा है सिस्टम पर और वो खुद ही अपने हाथ में कानून लेकर फैसला कर देना चाहती है? देखिए, भीड़ें दो तरह की हैं। एक भीड़ वो है जो कि अफवाह पे बच्चा चोर के आगे लोगों को मार डालती है, दूसरी भीड़ ये है जिसने अग्निवेश पे हमला किया। इन दोनों को एक साथ मत रखिए। ये भीड़ तो राजनीतिक कार्यकर्ताओं की थी, ये भीड़ तो वो भीड़ नहीं है जो अफवाह के जरिए आई थी, ये तो उनका तो प्रदर्शन करना वहां पर तय था पहले से। खुद भारतीय जनता युवा मोर्चा के लोगों ने कहा है कि हम वहां प्रदर्शन करने की योजना से गए थे, हमने हिंसा नहीं की इन्होंने, लेकिन अग्निवेश का कहना यह है और हमें अग्निवेश की बात को फेस वैल्यू पे यकीन करना चाहिए। दूसरी बात, लोकतांत्रिक उसूल यह है कि बात का जवाब बात से दिया जाना चाहिए। हम सनातन धर्म की जितनी भी आलोचना करें, वो 19वीं सदी से आर्य समाज और सनातन धर्म के बीच में बहस चल रही है, शास्त्रार्थ चल रहा है। जो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने अपनी पाखंड खंडनी पताका गाड़ी थी, उन्होंने सनातन धर्म के तमाम अंधविश्वासों, व्रत पूजा उपवास और जो अवतारवाद था उसके खिलाफ उन्होंने संघर्ष किया। उस संघर्ष में उन्होंने बड़े पैमाने पर कामयाबी मिली। संविधान की शपथ जारी है, अग्निवेश पर आक्रमण क्यों, ये सवाल हम पूछ रहे हैं। 80 साल के भगवादारी स्वामी अग्निवेश जिन पर कल हमला हुआ और अब ये मामला राजनीतिक तौर पर इसलिए गर्मा गया है क्योंकि कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी, उनकी तरफ से बाकायदा इस मामले पर ट्वीट किया गया है। एक पहेली के जरिए राहुल गांधी ने इस हमले के बहाने निशाने पर प्रधानमंत्री मोदी को लिया है। ये राहुल गांधी का ट्वीट आपके सामने है। राहुल लिखते हैं, मैं सत्ता की पंक्ति में सबसे अग्रणी स्थान पर खड़े ताकतवर व्यक्ति के सामने नतमस्तक हूं। मेरे लिए एक व्यक्ति की ताकत और सत्ता सबसे महत्वपूर्ण है। मैं सत्ता को बनाए रखने के लिए घृणा भय का इस्तेमाल करता हूं। जो सबसे कमजोर है उन्हें बाहर का रास्ता दिखाता हूं और उन्हें कुचल देता हूं। मैं कौन हूं? यह सवाल पहेली के अंदाज में कैसे राहुल गांधी ने हमला किया यह आपने देखा। हम बहस आगे बढ़ाते हैं, सीधे हम रुख करेंगे आरएसएस से जुड़े संगठन मुस्लिम राष्ट्रीय मंच से यासर गिलानी जो लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। यासर, यहां जो बात निकल कर आई चर्चा में कि भाई इसे भीड़ का हमला तो मानना ही नहीं चाहिए क्योंकि ये तो पूरी तरीके से पॉलिटिकली मोटिवेटेड राजनीतिक पार्टी बीजेपी से जुड़े हुए कार्यकर्ता थे जिन्होंने स्वामी अग्निवेश को निशाने पर लिया और देखिए किस तरीके से जवाब राहुल गांधी की तरफ से दिया गया। बट आपने उन्हीं के नेता का बयान अभी चलाया था अपने बाइट में, उन्होंने सिरे से खारिज किया है कि हमारी तरफ से कोई हमला नहीं हुआ। तो अगर हम आप किसको माने ये तो जांच का विषय है, जब जांच होगा सारा का सारा प्रकरण तब सामने आ जाएगा कि आखिर हमला कैसे हुआ। लेकिन मैं राहुल गांधी साहब से ये मेरा सवाल है कि आप छोटी छोटी बातों पे ट्वीट कर देते हैं, आप छोटी छोटी बातों को संज्ञान में ले लेते हैं। कल किसी चैनल पे एक मुस्लिम महिला के साथ हाथापाई हो गई, वो उनको दिखाई नहीं दिया क्या? वो महसूस नहीं करते या मुसलमानों को सिर्फ वो वोट बैंक की तरह से इस्तेमाल करना चाहते हैं या उनको ये दिखाई देता है कि इनको सिर्फ अपीजमेंट की राजनीति के लिए इस्तेमाल किया जाए? तो इस तरह की राजनीति जो सिलेक्टिव करके ये लोग कर रहे हैं इससे इनको बाज आना चाहिए। देखिए, मैं ये मानता हूं कि ये घटना बहुत निंदनीय है, हमें समाज को बदलने के लिए हमें खुद
और आप जैसे जो बड़े जर्नलिस्ट हैं या जो बुद्धिजीवी हैं हमारे समाज के, मैं ये नहीं कहूंगा कि वो बुद्धिजीवी मुसलमान हैं या हिंदू हैं, भारतीय बुद्धिजीवी, भारतीय लोगों को सामने आना पड़ेगा हमारे समाज का जो ताना बाना बिखर रहा है। सर आपने बहुत अच्छी बात की, लेकिन मेरा सवाल ये कि हम तो देखिए अपने स्तर पर कोशिश करते हैं, लेकिन अजय गौतम साहब, मैं आपसे समझना चाहती हूँ कि भाई इसी झारखंड के अंदर ही मोदी सरकार के मंत्री थे ना जयंत सिन्हा साहब, अभी पिछले दिनों मैंने शो भी किया था सर, वो दोषी थे, भीड़ में उन्होंने हत्या की थी और अदालत ने उन्हें दोषी करार दिया था, तो उनको तो बाकायदा माला पहना रहे थे मोदी सरकार के मंत्री जयंत सिन्हा जी। जी अब बताइए, फिर उन्होंने माला पहनाई दोषियों को, अब ये भी इंतजार कर रहे होंगे जिन्होंने पीटा, क्योंकि ये भी बीजेपी के कार्यकर्ता ही हैं कि भाई हमें भी मौका मिलेगा, हम भी मंत्री जी के पास जाएंगे, हमें भी मंत्री जी टीका लगाएंगे, मिठाई खिलाएंगे, हम भी माला पहनेंगे, खबरों में आएंगे। जी जी, देखिए पहली बात, अभी जब आपने संविधान दिखाया, आपने एक सेक्शन आईपीसी का जिक्र किया 295A कि अगर कोई अग्रीव्ड है तो वो 295 में चले जाइए। मैं आपसे पूछता हूँ, पिछले 70 साल में एक आदमी का नाम बता दीजिए जिसे 295A में सजा हुई हो। और दूसरी बात, उसकी मुकदमा इसलिए नहीं लिखते क्योंकि सीआरपीसी 196 का बार है, जब तक स्टेट परमिशन न दे आप 295A और 153 में किसी को ना प्रोसिक्यूट मतलब कर सकते। कानून नहीं है, कानून अपने हाथ में लेके लिए। मैं अब आपको देखिए, मैं संविधान के बारे में बता रहा हूँ, आपसे सवाल जुड़ा हुआ पूछ रही हूँ ना, आपने बताया कमजोरी बताई, दूसरी बात जयंत सिन्हा, जयंत सिन्हा इसको कैसे वो बता रहे, जयंत सिन्हा जी की बात, जयंत सिन्हा जी की बात, आपने अगर हाई कोर्ट का वो ऑर्डर पढ़ा हो जो डबल बेंच का था, जिसमें हाई कोर्ट की, झारखंड की हाई कोर्ट ने कैंडिडली कहा कि जो जितने भी एविडेंस है, जो मरा था उसकी बीवी पहली बात उसमें आई विटनेस थी जिसको जबरदस्ती इम्प्लीकेट किया गया, जो वीडियोज अवेलेबल है वो कहीं नहीं ये चीज डिस्क्लोज करते कि जिन लोगों को अरेस्ट किया, कर दिया जिन लोगों को कोर्ट ने बरी किया, सुन तो लीजिए, नहीं किया ना बरी, सुन तो लीजिए, मैं हाई कोर्ट के ऑर्डर पर रिस्पेक्ट करेंगे रोमाने जी, मैं कर रही हूं हाई कोर्ट के ऑर्डर पर रिस्पेक्ट कर रही हूं, उन्होंने कहा कि कोई एविडेंस इनके खिलाफ नहीं है, इन द एब्सेंस ऑफ एविडेंस वी ग्रांट बेल, अब आप हाई कोर्ट को भी क्वेश्चन कर रहे हैं, सर बरी नहीं किया, आप गलत तरीके, मैंने कहा बेल ग्रांट करिए, मैंने कहा बेल ग्रांट करिए, बेल के ऑर्डर में निचली अदालत ने दोषी करार दिया, हाई जब तक कोई व्यक्ति, लेकिन बरी नहीं किया, रोमान बरी नहीं किया सर, बरी होने से पहले अगर केंद्रीय मंत्री दोषियों के गले में माला डाले, नहीं है आरोपी है रोमान, निचली अदालत ने दोषी करार दिया, आपकी का संविधान दोषी करार दिया, रोमान निचली अदालत ने दोषी करार दिया है सर, अब वो ठीक है सर, रोमान जी संविधान जो आपके पास वो कहता है देखिए, आप ये देखिए, मैं दोबारा से स्वामी अग्निवेश के मुद्दे पर आती हूँ और मैं दिनेश वार्ष्णेय साहब आपसे समझना चाहती हूँ कि ये जो हो रहा है, ये जो हो रहा है, ठीक है आ रही हूँ आपके पास भी आ रही हूँ तहसीन, ये जो हो रहा है इससे किसे फायदा किसे नुकसान? देखिए ये जो हो रहा है ना, इससे उनको फायदा हो रहा है जो करवा रहे, क्योंकि उन्होंने जैसे अभी अभी दुबे जी हम मतलब इस में बात में बीजेपी के कार्यकर्ता इन्होंने तो कुछ किया नहीं, क्रिया नहीं की, तो इसलिए ये प्रतिक्रिया करवाते रहेंगे, अभी दुबे जी बिल्कुल सही कह रहे थे, क्योंकि इन्होंने कुछ किया नहीं, अगर करते कुछ किया नहीं है तो अब प्रॉब्लम ये आ रही है, इनको ये डर है कि अगर ये सारे काम नहीं हुए, ऑर्गेनाइज मॉब से अटैक नहीं करवाए उनको जो सेकुलर लोग हैं या जो इनको चैलेंज, इनको वही हिंदू धर्म चाहिए जो जिस ब्रांड को ये कहते हैं, बाकी इनको डिफरेंट लोग उसके जो धाराएं हैं उनको नहीं मानेंगे ये, इसलिए और ये साफ है ऑर्गेनाइज था ये, क्योंकि हमारा मार्का धर्म हमको चाहिए, ये बाहर इकट्ठे हुए थे, इनको अंदर बुलवाया गया था, पुलिस को बकायदा वहां इन्फॉर्म किया गया है, हमारे वर्कर्स भी वहां पे मौजूद थे, आप ये देखिए कि सब कुछ कैमरे पर है, आप देख रहे हैं हमारे वर्कर्स भी वहां पे मौजूद थे, लेकिन अब तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया, लोगों को हिरासत में लिया गया था लेकिन उनको छोड़ दिया गया, हालत ये है, और इसी वजह से संविधान की शपथ में इस मुद्दे पर मैं चर्चा कर रही हूं, अभय जी आपके पास आएंगे, बीजेपी ने करवाया ये नहीं, अजय गौतम जी ये बीजेपी के लोग हैं, पहचाने गए लोग हैं, वो डीआईजी ने गलत छोड़ा है, हमारी वहां पे बात हुई है झारखंड में अभी क्लियर कट बात हुई है वहां के सेक्रेटरी से, उसने साफ कहा कि ये बीजेपी के लोग हैं, भारतीय जनता युवा मोर्चा के लोग हैं, उसमें कुछ आरएसएस की शाखाओं में भी जाते हैं, बिल्कुल नहीं, नाम जाने लोग, नाम जाने लोग, हर दो साल में होता है, कैसे छुड़ा ये आप क्या बीजेपी के प्रवक्ता है, अजय गौतम जी क्या बीजेपी के प्रवक्ता है, प्रोफेसर आप बताइए, आप पहले पहली बार अग्निवेश जी पे हमले की आप निंदा कीजिए, जिन्होंने मारा उनको गिरफ्तार रखा जाए और अटेम्प्ट टू मर्डर में उनको जेल में रखा जाए, उनकी अभी जमानत नहीं होगी, और एविडेंस की जो आप बात कर रहे हैं,
तो अग्निवेश पर हमला क्यों? एबीपी न्यूज पर संविधान की शपथ के तहत इसी सवाल के इर्द गिर्द हम चर्चा कर रहे हैं। और देखिए, अभी तक बहस में जो बड़ी बात निकल कर आ रही है कि इसे भीड़ का हमला कहना नहीं चाहिए, क्योंकि ये राजनीतिक कार्यकर्ता थे, भारतीय जनता पार्टी के अलग अलग संगठनों से जुड़े हुए ये लोग जो पहुंचे वहां पर भीड़ की शक्ल में, और स्वामी अग्निवेश पर इन्होंने हमला किया। खुद भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के जो उपाध्यक्ष हैं झारखंड के, अभिषेक सिंह, उनकी तरफ से भी लिखा गया उनकी फेसबुक पोस्ट में कि हमने किया ऐसा, हमने हमला किया है। मेरा सवाल ये आपसे, तहसीन, फायदा मिलेगा इससे बीजेपी को, नुकसान? देखिए, मैंने शो के शुरुआत में एक चीज़ कही थी कि ये भीड़ हत्या तब तक होगी, आप धर्म को निकाल दीजिए, क्योंकि वॉट अबाउटरी होती। आप अग्निवेश की बात करेंगे तो कहेंगे ये क्यों नहीं, ये बात करेंगे तो कहेंगे 84 क्यों नहीं, ये वॉट अबाउटरी निकाल देते। आप सिंपल केसेस लेते तो ये किसका फ़ायदा हो रहा है भीड़ को उकसाते? तो अभय दुबे जी बिल्कुल सही कह रहे, किसी ना किसी का तो फ़ायदा हो रहा है इस पॉलिटिक्स के अंदर कि वो भीड़ को भड़का रहे, सबसे पहली बात। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता कि हमें एक देश की तरह सोचना चाहिए कि अक्सर जो ये लोग भीड़ हिंसा करते या भीड़ हत्या करते, उनकी उम्र 25 से 45 की उम्र के बीच में लोग हैं जो कन्विक्टेड है या अक्यूज्ड है। वे मॉडर्न टेक्नोलॉजी जैसे कि 4G, मॉडर्न फोन्स, मॉडर्न इक्विपमेंट्स लेकर इतनी प्राचीन घटना जो बारबेरिक है 14वीं सेंचुरी यूरोप, 18वीं सेंचुरी अमेरिका में, आज के हिंदुस्तान में क्यों कर रहे? तो कहीं ना कहीं इसके हम ये चीज़ हमें देखना होगा। और आखिरी चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा, अगर हम एक नेशनल टेलीविजन पर आकर ये बात झूठ कहे कि वे लोग जो कॉन्विक्टेड है वे कॉन्विक्टेड नहीं अक्यूज्ड है, कॉन्विक्टेड नहीं है, तो कहीं ना कहीं हमें सोचना चाहिए कि क्या हम एक सही चीज़ कर रहे हैं या नहीं कर रहे। केरला, वेस्ट बंगाल में भी भीड़ हत्या हो रही है, कानून इसलिए सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कश्मीर से लेके केरला, वेस्ट बंगाल से लेके गुजरात, सब जगह पर कानून पूरे भारत के लिए बना है। ना ब्राह्मण मरे, ना ब्राह्मण मरे, ना दलित, ना हिंदू, ना मुसलमान, ना आदमी औरत, ना थर्ड जेंडर, ना माइग्रेंट वर्कर, ना करोड़पति, कोई नहीं मरना चाहिए। अरे पूरे देश में हिंसा हो रही है, केरल में भी हिंसा हो रही है, पश्चिम बंगाल में भी हिंसा हो रही है, उत्तर प्रदेश में लोगों को मारा जा रहा है, झारखंड में भी लोगों को मारा जा रहा है। क्यों नहीं सरकार बना देती है कानून? सरकार क्यों आंख पर पट्टी बांधकर बैठी हुई है, वो भी तब जबकि सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले में सरकार से कह रहा है ये लोकतंत्र है, भीड़तंत्र का बोलबाला यहां पर हो नहीं सकता है, देश का कानून कोई अपने हाथ में नहीं ले नहीं सकता, कानून बनाइए। सरकार चुप क्यों है? संविधान की शपथ जारी है, सवाल हम ये पूछ रहे हैं कि आखिरकार स्वामी अग्निवेश पर हमला क्यों? शहजाद का रुख कर लेते हैं। शहजाद, मतलब ये भीड़ जो है वो कोई सामाजिक भीड़ नहीं है, बल्कि सीधे सीधे राजनीतिक भीड़ जिसने निशाने पर लिया। अभय दुबे जी की बात को परिभाषित करें तो उनका कहना यही है कि जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती नहीं, हिलवाई जाती है, और मैं उनकी बात से इत्तेफाक रखता हूँ। पर यह बात भी तो ज़रूरी कहनी पड़ेगी हमें कि ये आजकल की कोई, 4 साल पहले तो ये शुरू नहीं हुआ, ये माजरा जो है वो तो पिछले 70 सालों से चलता रहा है, इसको कैसे हम राजनीतिक। लेकिन ये जो आंकड़े हमारे सामने हैं, खासतौर से इंडिया स्पेंस के ये आंकड़े हैं जो बताते हैं कि पिछले 7 साल में अगर देखा जाए, 2014 के बाद से, जिस पर हमने पहले भी चर्चा की, 2014 के बाद से 97% वारदातें जो है बढ़ गए, और 2017 तक मुसलमानों पर निशाने पर थे मुसलमान, लेकिन उसके बाद से तो भीड़ अब देख ही नहीं रही है, जाति धर्म कुछ नहीं देख रही है, तो जो सामने आ रहा है उसे निशाने पर। बच्चा चोरी के नाम पे जो हत्याएं की गई है उसमें भी बहुत ज्यादा इजाफा हुआ है, उसका राजनीतिक फायदा तो किसी को नहीं हुआ। वही तो भीड़, ओवरऑल इसको राजनीतिक रूप से देखना ही गलती है। मुझे लगता है ये समाज में जो त्रुटियां हैं उसको सही करने के लिए, और हमारी जो राजनीति में सामाजिक समस्या मान रहे हैं, ठीक है, अब राजनीतिक भी है, पर वो अग्निवेश जी पे जो हमला हुआ है वो तो मुख्य रूप से एक राजनीतिक कार्रवाई है, सोच समझकर की गई एक नियोजित कार्रवाई है, और उसी श्रेणी में इसको रखना चाहिए। बच्चा चोरी में जो हत्याएं होती हैं और इस प्रकार की जो घटनाएं होती हैं उस श्रेणी की कार्रवाई ये नहीं है। अगर हम लोग उससे मिलाएंगे तो हम लोग गलती करेंगे, पहली बात। दूसरी बात, ये कहना कि भाई वो कांग्रेस की ए टीम थे या सी टीम थे, डी टीम थी, इसका क्या मतलब है? अगर हमारे विचार, हमारी कार्रवाइयां या किसी व्यक्ति की कार्रवाइयां कांग्रेस का समर्थन कर रही हैं, प्रचंड रूप से ही कर रही हैं, तो क्या उसके ऊपर शारीरिक हमला होना चाहिए? अगर कोई व्यक्ति प्रॉपर्टी डिस्प्यूट में है, रोमाना, अगर कोई व्यक्ति प्रॉपर्टी डिस्प्यूट में है तो उसके भी कानूनी तरीके हैं उससे निपटने के, उसके लिए भी उस पर शारीरिक हमला नहीं किया जा सकता, न सार्वजनिक मंच पर उसे बदनाम किया जा सकता। जहां तक मानसिक हमले का सवाल है, इसका मेरे पास एक जवाब है। जब कोई आलोचना की जाती है और धार्मिक आलोचना की जाती है, उसको आप चालाकी के साथ में, कुटिलता के साथ में मानसिक हमला कहें और कहें इसके बदले में शारीरिक हिंसा जायज है, यह पूरा वक्तव्य भर्त्सना योग्य है।
मानसिक हिंसा नहीं, मैं कहूंगा गौतम साहब जो है बहुतों के साथ मानसिक हिंसा कर रहे हैं। सुन लीजिए, आपने बड़ा ट्रिकली जो है ना सब्जेक्ट को जो है दूसरी तरीके से दूसरी तरफ लिफ्ट कर दिया। नहीं, मैं बहुत कैंडिडली कहता हूँ, ये पहली बार नहीं है कि स्वामी अग्निवेश जी के साथ उनके करे हुए कार्यों के प्रति लोगों ने उनके साथ इस तरीके का ट्रीटमेंट कराओ। वीडियो नहीं, आप देखिए, आप करिए, यूट्यूब जाइए, देखिए, मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ, आप देखिए, इससे ज्यादा जम्मू की बात बता रहा हूँ मैं, दिल्ली की मैं बात बता रहा हूँ, देखिए तो सर, यूट्यूब करिए, मैं ऐसे कोई ब्लफिंग नहीं कर रहा, आप देखिए उनके साथ हर साल में, डेढ़ साल में, दो साल में उनके एक्ट एंड एक्शन के कारण जिस तरीके से वो पब्लिक सेंटीमेंट्स को आउटरेज करते हैं, पब्लिक को तो नहीं समझाया जा सकता। आप खुद क्या कह रहे हैं, आप नहीं समझ पा रहे, समझ लो, अगर उनके खिलाफ शारीरिक हिंसा राजनीतिक रूप से प्रायोजित थी तो उनकी की गई मानसिक हिंसा भी राजनीतिक रूप से प्रायोजित है कि नहीं, उसका भी जांच करना चाहिए। वो जो मानसिक हिंसा जिसका जिक्र कर मानसिक हिंसा वो भी राजनीतिक रूप से करवाया जा रहा है द्वारा, वो 19वीं शताब्दी से चला हुआ शास्त्रार्थ है। शारीरिक हिंसा, एक मिनट शायद भाई, जिसको मानसिक हिंसा कहा जा रहा है द्वारा, वो 19वीं शताब्दी से सनातनियों और समाजियों के बीच में चला जाने वाला शास्त्रार्थ है। मात्र सनातन धर्म की नहीं करी, मात्र हिंदू रिलीजियस प्रैक्टिस की नहीं करी, मात्र हिंदू देवी देवताओं को टारगेट नहीं करा। कबीर साहब क्रिटिक थे, उन्होंने सब तरीके का, बड़ी खबर आ रही है, मैं आप सबको जानकारी दे दूं। देखिए स्वामी अग्निवेश का मामला, जब देश के गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू से इस मामले में सवाल पूछा गया तो उनका जवाब क्या है, ये सुनिए। अग्निवेश पर हमले पर गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू के तरफ से कहा गया, हमें आधिकारिक रिपोर्ट नहीं मिली है। कल झारखंड में स्वामी अग्निवेश पर हमला हुआ था और अब वो कह रहे हैं कि उन्हें रिपोर्ट नहीं मिली है। We have not got the official reports on that. You asked for an official report, sir? No, we have not received the reports. यासर, इस मासूमियत पर क्या कहा जाए? यासर, देखिए, अब वो गृह राज्य मंत्री हैं, उन्होंने आपके सामने बयान दिया है बिल्कुल कि उनके पास ऑफिशियल रिपोर्ट नहीं आई है, तो वो मुझे लगता है कि सर, मतलब उन्होंने खुद भी सहमत नहीं की ना कि कम से कम एक रिपोर्ट मंगवा ही लेते, वो भी इंतजार करते रहे। देश में सुर्खियां बनी हुई है, जो खबर उसे किस गंभीरता से सरकार ले रही है, ये कहीं ना कहीं गृह राज्य मंत्री का ये बयान भी दिखाता है कि कितनी गंभीर है इस मामले की जांच कराने में सरकार और दोषियों पर कार्रवाई करने में सरकार। कुल मिलाकर आज की इस बहस के बाद मेरी राय बहुत साफ है, झारखंड में बीजेपी की सरकार है, बीजेपी से जुड़े लोगों ने हमला किया, ये आरोप लगे, सुप्रीम कोर्ट की भी क्यों नहीं सुन रहे, आखिरकार ये लोकतंत्र है, इसमें भीड़तंत्र का बोलबाला क्यों, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आखिरकार क्यों चुप हैं, जबकि सरकार को कानून बनाने के लिए खुद सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा जा रहा है। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।